चिंकी का आइडिया। बहुत समय पहले किसी शहर में चिंकी अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी। उनके अलावा घर में पूजा नाम की एक मेड भी थी जो घर का सारा काम करती थी। मालकिन, घर का सारा काम हो गया। ठीक है, अब जल्दी से खाना बना दो। मालकिन, सारा खाना बन गया। ठीक है, अब तुम जल्दी से चिंकी को स्कूल से ले आओ। मालकिन, चिंकी भी स्कूल से आ गई। इस तरह सब सही चल रहा था। फिर एक दिन पूजा बीमार हो गई। मालकिन, मेरी तबीयत बहुत खराब है, आज मुझसे काम नहीं हो पाएगा। कोई बात नहीं पूजा, आज तुम छुट्टी ले लो। छुट्टी लेकर पूजा घर चली गई। उस दिन घर का सारा काम मम्मी को करना पड़ा। अगले दिन सुबह मम्मी पूजा का इंतजार कर रही थी, लेकिन पूजा नहीं आई। ये पूजा तो आज भी नहीं आई, आज भी सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। दूसरे दिन मम्मी पूजा का इंतजार कर रही थी। भगवान करे आज तो पूजा आ ही जाए, नहीं तो आज भी सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। तभी उनके घर ज्योति नाम की एक दूसरी मेड आई। तुम कौन हो और हमारे घर क्यों आई हो? मेरा नाम ज्योति है। पूजा दीदी की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए जब तक उनकी तबीयत ठीक नहीं होती, उन्होंने उनकी जगह मुझे काम पर भेजा है। सच? भगवान का शुक्र है। चलो अब जल्दी से काम पर लग जाओ। ज्योति काम पर लग गई। पूजा की तरह ज्योति भी बहुत अच्छे से काम करती थी और खाना तो वो ऐसा बनाती थी कि घर में सभी उंगलियां चाटते रह जाते थे। ज्योति दीदी, आप ऐसे ही रोज नई नई चीजें बनाया करो। ठीक है चिंकी। अब ज्योति रोज चिंकी को नया नया खाना बनाकर खिलाने लगी। फिर एक दिन चिंकी अपने कमरे में बैठी स्कूल का होमवर्क कर रही थी, तभी उसके सामने से एक चूहा भागता हुआ गया। मम्मी, मेरे रूम में चूहा है। क्या, कहाँ है चूहा? वो बाहर चला गया। कहाँ गया? वो रहा। मम्मी और चिंकी उसके पीछे दौड़े, लेकिन उसके पहले वो चूहा भाग गया। मम्मी, जेरी तो भाग गया। जेरी कौन? यही चूहा। वो टीवी पर टॉम एंड जेरी आता था ना, उसमें चूहे का नाम जेरी होता है। ठीक है, पर अब इस जेरी को पकड़ेंगे कैसे? और फिर चूहे को पकड़ने के लिए मम्मी और चिंकी ने बहुत कुछ किया। इसमें जेरी जरूर फंस जाएगा, इसे खाकर जेरी बेहोश हो जाएगा और हम उसे पकड़ लेंगे। इसे सूंघकर जेरी बेहोश हो जाएगा और हम उसे पकड़ लेंगे। यहाँ तक कि उसे पकड़ने के लिए मम्मी बिल्ली भी ले आई। बिल्ली का तो काम ही होता है जेरी को पकड़ना, अब जेरी कहाँ जाएगा? लेकिन चूहा हाथ में नहीं आया। आखिरकार हार कर मम्मी ने कहा, जाने दो, मैं हार मानती हूँ। लेकिन चिंकी ने हार नहीं मानी। वो चूहे को पकड़ने के बारे में सोचती रही। मैं इस जेरी को पकड़ कर ही रहूंगी। फिर एक दिन चिंकी अपने कमरे में बैठी स्कूल का होमवर्क कर रही थी, तभी उसने देखा कि वो चूहा चिंकी के हलवे की कटोरी में से बचा हुआ हलवा खा रहा है। ये देखते ही वो सब कुछ समझ गई और भागकर अपनी मम्मी के पास गई। मम्मी, मुझे पता चल गया कि जेरी को कैसे पकड़ना है। चिंकी ने पिंजरे में ज्योति का बनाया हलवा रखा और उसके हैंडल पर लगातार पकड़कर वो दूर जाकर खड़ी हो गई। कुछ देर बाद चूहा हलवे को सूंघता हुआ आया और पिंजरे के अंदर चला गया। चूहे के पिंजरे में आते ही चिंकी ने तार खींच दिया, जिससे चूहा पिंजरे में फंस गया। ये! मैंने जेरी को पकड़ लिया। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि जेरी हलवा खाने जरूर आएगा? वो ऐसे कि जब मैं अपने कमरे में बैठी थी तो मैंने देखा कि जेरी ज्योति दीदी का बनाया हलवा खा रहा था। फिर मैंने सोचा तो मुझे समझ आया कि जब से ज्योति दीदी आई है तब से ही ये जेरी हमारे घर आने लगा है। बस मैं समझ गई कि ये ज्योति दीदी के हाथ का बना स्वादिष्ट खाना खाने ही हमारे घर आता है। अरे वाह चिंकी, ये तो तुमने बहुत अच्छा आइडिया लगाया। थैंक यू मम्मी। इस तरह चिंकी ने नई मेड के स्वादिष्ट खाने की वजह से घर में आए चूहे को अपने आइडिया से पकड़ लिया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सलूशन जरूर होता है। इसलिए
चिंकी की तरह बिना हार माने हमें उस प्रॉब्लम के सलूशन को ढूंढते रहना चाहिए। गट्टू का बर्थडे अप्रैल महीने की सुबह थी। गट्टू नींद से उठा और उठकर बिस्तर पर बैठ गया। अचानक उसकी नजर दीवार के कैलेंडर पर पड़ी। कैलेंडर में अभी भी मार्च महीना दिख रहा था। शिट यार, कितना भुलक्कड़ हूँ मैं। अप्रैल शुरू हो गया है, कैलेंडर का पन्ना पलटना था। गट्टू ने कैलेंडर का पन्ना पलटा। अचानक उसकी नजर 16 तारीख पर पड़ी और उसके मन में लड्डू फूटने लगे। वाओ, 16 अप्रैल मेरा बर्थडे, मैं तो भूल ही गया था। आज 8 तारीख है, मतलब सिर्फ 8 दिन। गट्टू मार्कर पेन से 16 तारीख मार्क करने लगा। तभी मम्मी आई। क्या कर रहे हो गट्टू? 16 अप्रैल को मेरा बर्थडे है, तारीख मार्क कर रहा हूँ, भूल गया तो? तब मम्मी मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा ठीक है, फटाफट फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट करने आ जाना। बर्थडे के दिन मम्मी पापा से मुझे ढेर सारे गिफ्ट चाहिए, स्पोर्ट्स वॉच, बैट, गिटार, फुटबॉल। अरे बाप रे, लिस्ट तो बहुत लंबी हो रही है, लिख के रखता हूँ नहीं तो भूल जाऊंगा। पेपर पेन लेकर गट्टू लिस्ट बनाने बैठ गया। बन गई लिस्ट, बर्थडे के एक दिन पहले ये लिस्ट पापा के लैपटॉप में रख दूंगा। फिर गट्टू उछलते हुए बाथरूम निकल गया और लिस्ट वहीं टेबल पर भूल गया। मम्मी कमरा साफ करने आई तो उन्होंने टेबल पर गट्टू की लिस्ट देखी। ये गट्टू भी ना बावला है एकदम। ऐसा करती हूँ, ये लिस्ट छिपा देती हूँ। कुछ दिन बीत गए। एक रात खाना खाकर पापा और चिंकी टीवी देख रहे थे। तभी मम्मी आकर बोली, चिंकी गट्टू कहाँ है? दादी के साथ बाहर टहल रहा है। क्या बात है? अरे बात ही ऐसी है, कल गट्टू का बर्थडे है। हाँ वो तो मुझे भी पता है। अरे पूरी बात तो सुनो, गट्टू ने कैलेंडर पर अपनी बर्थ डेट मार्क करके रखी हुई है, गिफ्ट्स की लिस्ट भी बना कर रखी है। कितना बावला है ना। बिल्कुल ठीक कहा। मैं उसे अप्रैल फुल बनाना चाहती हूँ। वो कैसे? हम उसे कहेंगे कि बर्थडे कल नहीं परसों है। वो काफी एक्साइटेड है कल को लेकर। जब उसे पता चलेगा कि बर्थडे कल नहीं परसों है, तब कितना मजा आएगा ना। लेकिन उसे यकीन कैसे दिलाएंगे? सिंपल है, हम पिछले साल का कैलेंडर दीवार पर टांग देंगे। पिछले साल का कैलेंडर एक दिन लेट चल रहा है। हम पिछले साल की 16 तारीख मार्क करेंगे, जो कल नहीं परसों आएगी, जिससे उसे यकीन हो जाएगा। करेक्ट, तुम फटाफट जाओ और काम पूरा करो। और आप ये लीजिए लिस्ट, सारे गिफ्ट्स और अरेंजमेंट्स के काम कल हो जाने चाहिए। इधर चिंकी भागते भागते पिछले साल का कैलेंडर लेकर कमरे में पहुंची। उसने दीवार से कैलेंडर हटा दिया और पुराना कैलेंडर टांग दिया। अब तारीख मार्क कर देती हूँ। चिंकी ने मार्कर पेन से 16 तारीख मार्क कर दी। गट्टू कमरे में आया तो चिंकी ने देखा कि गट्टू टेबल पर कुछ ढूंढ रहा है। क्या हुआ? एक लिस्ट बना कर रखी थी यही टेबल पर, तुमने देखी क्या? नहीं, इम्पोर्टेंट थी क्या? मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता, लगता है अब फिर से बनानी पड़ेगी। तभी गट्टू का ध्यान कैलेंडर पर पड़ा। अरे ये क्या, मुझे तो लगा था कल 16 तारीख है, कैलेंडर तो परसों दिखा रहा है, मार्क भी करेक्ट है, फिर एक दिन लेट कैसे? चिंकी आज संडे है या मंडे? आज तो सैटरडे है। अरे यार मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, चलो आज की डेट बताओ। 15 अप्रैल, नहीं नहीं 14 अप्रैल। गट्टू ने 14 तारीख देखी तो सैटरडे ही था। गट्टू नाराज होकर सोचने लगा, आज तो सैटरडे था, मतलब आज 14 अप्रैल, कल संडे 15 अप्रैल और परसों मंडे 16 अप्रैल, मतलब मेरा बर्थडे परसों है। शिट यार, अब सो जाता हूँ और कल फिर से लिस्ट बनाता हूँ। दूसरे दिन गट्टू ने फिर से लिस्ट बनाई। लिस्ट बाद में चुपचाप पापा के लैपटॉप में रख दूंगा, पहले थोड़ा खेल के आता हूँ। फिर गट्टू सोसाइटी कैंपस में खेलने चला गया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अरे ये हरी गुड्डी आज कोई कैसे नहीं आया? तभी उसकी नजर सोसाइटी के बाहर बैठे दो बच्चों पर पड़ी। गट्टू ने पास जाकर देखा तो बच्चे कीचड़ में केक बना रहे थे। तुम ये कीचड़ का केक क्यों बना रहे हो? इस राजू का आज बर्थडे है ना, उसके लिए मैं केक बना रहा हूँ। हम गरीब हैं, दुकान से केक नहीं ला सकते, इसलिए इसी केक से काम चला रहे हैं।
ये सुनकर गट्टू को बुरा लगा। हैप्पी बर्थडे राजू, तुम्हारा बर्थडे आज है, मेरा बर्थडे कल है। ओह, हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। खेलने के लिए कोई नहीं था, इसलिए थोड़ी देर बाद गट्टू फिर से घर चला आया। घर में काफी अंधेरा था। ये आज अंधेरा कैसे? तभी अचानक सारे लाइट्स जल गए और पूरा घर रोशन हो गया। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर गट्टू, हैप्पी बर्थडे टू यू। गट्टू ने देखा मम्मी पापा, चिंकी दादी, हरी गुड्डी सब मिलकर गट्टू को विश कर रहे थे। पूरा घर सजाया गया था, बड़ा सा केक और काफी सारे गिफ्ट्स भी थे। अरे ये क्या, मेरा बर्थडे तो कल है ना? अप्रैल फूल, तुम्हारा बर्थडे कल नहीं आज है। नहीं नहीं, ऐसे कैसे? चिंकी ने दोनों कैलेंडर्स गट्टू को दिखाए। ये है इस साल का कैलेंडर, आज संडे है, आज तारीख है 16 अप्रैल, और ये पिछले साल का, इसमें आज संडे है लेकिन तारीख है 15 अप्रैल। पुराने कैलेंडर से हम सब ने मिलकर तुम्हारा अप्रैल फूल बनाया है। और हाँ, तुम्हारी चिट्ठी भी हम तक पहुँच गई है और सारे गिफ्ट्स भी रेडी हैं। चलो गट्टू, फटाफट केक काटो। ये सुनकर तो गट्टू के होश ही उड़ गए, लेकिन केक और बाकी अरेंजमेंट्स देखकर गट्टू काफी खुश हो गया। चलो बेटा, केक काटो। गट्टू केक काटने ही वाला था कि तभी अचानक रुक गया। बस एक मिनट, अभी आया। ऐसा कहकर गट्टू बाहर भाग गया। सब लोग परेशान हो गए। थोड़ी देर बाद गट्टू गरीब बच्चों को लेकर आया। ये राजू है, इसका भी आज बर्थडे है। केक के लिए इसके पास पैसे नहीं है, इसलिए बेचारा कीचड़ का केक काट रहा था। अच्छा किया बेटा, चलो आप दोनों मिलकर जल्दी से केक काटो। फिर क्या, राजू के साथ मिलकर गट्टू ने केक काटा और इस प्रकार गट्टू के बर्थडे पार्टी का सेलिब्रेशन शुरू हुआ। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।